टपकेश्वर सेवा दल के द्वारा टपकेश्वर भोलेनाथ महाराज की शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जो कि शिवाजी धर्मशाला से टपकेश्वर मंदिर तक संचालित होगी। यात्रा का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, देहरादून के सुनील उनियालगामा सहित हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। इस दौरान सभी श्रद्धालुगण भोलेनाथ से अपने परिवार व प्रदेश हेतु सुख शांति की कामना करेंगे। प्रत्येक वर्ष टपकेश्वर महाराज भोलेनाथ की यात्रा का आयोजन होता है, जिसमें लाखों की संख्या में भक्तगण हिस्सा लेते हैं और भोलेनाथ का जयकारा लगाते हुए टपकेश्वर मंदिर तक पहुंचते हैं, जहां पर भव्य रूप में पूजा अर्चना की जाती है और सभी भक्त भोलेनाथ से अपनी सुख समृद्धि की कामना करते हैं। भोले शंकर, हमारी द्रोण नगरी देहरादून में भक्तों को दर्शन देने के लिए, भक्तों को कष्ट दूर करने के लिए, भक्त जो है उनको सारे कष्ट दूर हो, ऐसी प्रार्थना मैं भी भोले शंकर से प्रार्थना करता हूँ कि देहरादून में सभी के घर में सुख शांति हो, जो उनके कष्ट हो उनके कष्ट दूर हो। और ये हमारी द्रोण नगरी पूरे भारत से जो है टपकेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए सभी तीर्थयात्री यहाँ आते हैं। मैं भोले शंकर से प्रार्थना करूँगा कि सभी के कष्ट दूर हो, ऐसे ही भोले शंकर से।